तो कैसे हैं आप? आप लोगों को गांव कैसा लगता है? बहुत अच्छा ना, ठंडी ठंडी हवा, मीठा मीठा पानी और शहरों की भीड़ भाड़, प्रदूषण से दूर, शांत और शुद्ध वातावरण। वहां रहने में अलग ही सुख है ना। वहां ना ही शहरों की तरह लोगों का बीपी हाई और ना ही हार्ट अटैक और तनाव है, क्योंकि स्वस्थ जीवन शैली, साफ सुथरा वातावरण, सब लोगों का मेलजोल और शुद्ध और घर का बना खाना आपको स्वस्थ बनाए रखता है। तो चलिए आज गांव की सैर करें इस कविता से। कविता का नाम है चके के चकदुम। तो चलिए बोलिए मेरे साथ, चके के चकदुम, चके के चकदुम, गांव की मड़ैया साथ रहे हम तुम। चके के चकदुम, चके के चकदुम, ग्वाले की गैया दूध पिए हम तुम। चकई के चकदुम, चकई के चकदुम, कागज की नैया पार करे हम तुम। चकई के चकदुम, चकई के चकदुम, फुलवा की बगिया फूल चुने हम तुम। चकई के चकदुम, चकई के चकदुम, खेल खत्म भैया आओ चले हम तुम। थी ना मजेदार है कविता? तो चलिए अब इसका अर्थ भी इतना मजेदार है तो सुने। इस कविता में देखिए बच्चों, चके के चकदुम, कवि चके के चकदुम गाना गाते हुए बच्चों से कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं। पढ़िए पहले पैराग्राफ में, देखिए पहली जो पंक्तियां हैं, दो पंक्तियों में देखिए, चके के चकदुम, चके के चकदुम, गांव की मड़ैया साथ रहे हम तुम। क्या बोल रहे हैं? गांव की मड़ैया, मड़ैया यानी झोपड़ी, ठीक है। और जो झोपड़ी में छप्पर होता है, उस एक छत के नीचे बच्चों को बोल रहा है कवि कि हम तुम एक साथ रहेंगे। क्या करेंगे? हम एक झोपड़ी में गांव के एक साथ रहेंगे, ठीक है। फिर चलिए अगली पंक्ति देखते हैं। चकई के चकदुम, चकई के चकदुम, ग्वाले की गैया दूध पिए हम तुम। इन पंक्तियों में कवि बच्चों को कहते हैं कि चकई के चकदुम, चकई के चकदुम, ग्वाले की गाय। अब ग्वाले की गाय कौन होती है? ग्वाले कौन होते बेटा? जो गाय भैंस पालते हैं। तो वे कहते हैं कि हम तो मिलकर इस गाय का दूध पियेंगे जो ग्वाले ने पाली है, ठीक है। फिर देखिए अगली पंक्तियां देखिए। चकई के चकदुम, चकई के चकदुम, कागज की नैया पार करे हम तुम। तो इसमें क्या बोलते हैं कवि कि चकई के चकदुम, चकई के चकदुम, हम कागज की नाव बनाएंगे, जब बारिश आएगी हम कागज की नाव बनाएंगे और बारिश के पानी जहां पर इकट्ठा होगा वहां पर उस नाव को पार कराएंगे मिलकर, यानी हम कागज की नाव का खेल खेलेंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगली पंक्तियां। चकई के चकदुम, चकई के चकदुम, फुलवा की बगिया फूल चुने हम तुम। इस कविता में कवि कहता है कि फूलों की बगिया है, फुलवा मतलब फूलों की बगिया है, फूलों का बगीचा है, वहां से हम और तुम फूल चुन कर लाए। चलिए गांव में हम वहां से फूल चुन कर लाए, ठीक है। चलिए अगली पंक्तियां देखिए। चकई के चकदुम, चकई के चकदुम, खेल खत्म भैया अब चले हम तुम। मतलब चकई के चकदुम, चकई के चकदुम, अब खेल खत्म हो गया, चलो अब तुम अपने अपने घर चले। कहाँ चले? घर चले। अब खेल खत्म हो गया। कौन सा खेल? चकई के चकदुम वाला। तो थी ना मजेदार कविता, अच्छी कविता थी ना। चलिए अब हम देखते हैं अगले पृष्ठ पर, यह चित्र और इसमें निहित कला। ये जो चित्र आपको दिख रहा है ध्यान से देखिए, इस चित्र में आपको क्या क्या दिख रहा है। और बेटा जो चित्रकारी है ना बहुत ही मेहनत वाली होती है। इसे ये मुंबई के महाराष्ट्र की वर्ली शैली है जो वहाँ बहुत मशहूर है, बहुत प्रसिद्ध है। और आपको इस चित्र को, वर्ली शैली में बने इस चित्र को देखकर समझकर बताना है कि इसमें कौन सा दृश्य दर्शाया गया है, क्या क्या चीजें आपको इसमें दिख रही है, ठीक है। अब आते हैं बेटा इसके अभ्यास कार्य पे। खोलिए अभ्यास कार्य, देखिए क्या है अभ्यास कार्य। हम तुम, हम तुम, क्या? हम तुम, हम तुम, अर्थात आपको भी कवि की तरह कविता पूरी करनी है। जैसे कवि है वो कवि बने हैं कविता लिखकर,
आपको भी कविता लिखनी है। आपको कुछ यहाँ पर रिक्त स्थान दिए हैं, आपको इन्हें भरना है और नए शब्द इसमें जोड़ने हैं। जैसे चके के चकदुम, चलो झूले में झूला झूले हम तुम, ये मैंने अपने मन से बनाया है। कैसे? चके के चकदुम आपकी किताब में अंकित है, उसके बाद रिक्त स्थान है, तो आप वहां पर क्या लिख सकते हैं, चलो झूले में झूला झूले हम तुम। वेरी गुड। तो इसी प्रकार आपको भी करना है। तो समझ में आया, आपको ये सारी पंक्तियां पूरी करनी है, पूरी कीजिएगा। चलिए अब आते हैं जरा चित्रकला पर। आपको एक कविता पढ़नी है और उस कविता को समझकर जिन जिन चीजों पर चित्र बन सकता है उनका चित्र बनाना है। जैसे पढ़ो और उसका चित्र बनाओ, कागज की नैया पार करें हम तुम। अब इसमें कौन सी चीज आ रही है? कागज की नैया। बिल्कुल ठीक, वेरी गुड। तो कागज की नैया आ रही है, आपको कागज की नाव का चित्र बनाना है। फिर अगला देखिए, गांव की मड़ैया साथ रहे हम तुम। अब गांव की मड़ैया, आपको गांव की झोपड़ी का चित्र बनाना है, छप्पर का चित्र बनाना, कोई भी चित्र आपको जो सुविधाजनक हो बना सकते हैं। फिर देखिए, फुलवा की बगिया फूल चुने हम तुम। तो फूल का चित्र तो हर किसी को बनाना आता होगा ना, तो आप लोग बना सकते हैं ना। तो बस आपको इतना ही करना है आज, ठीक है? तो चलिए आप मिलेंगे अगले पाठ के साथ। धन्यवाद।